आज होची माघ सप्तमी एवं आज ठारु आरंभ होची विश्व प्रसिद्ध खंडगिरी माघ मेला एवं एथिपाई पर्याय आज आरंभ होची। प्रथमे कलश यात्रा परे आज ठारु आरंभ हेबो 9 दिन व्यापी खंडगिरी रे विभिन्न नागा देशर विभिन्न कोणर आसीथिबा नागा साधुमानक द्वारा मंत्र ध्वनि रे प्रकंपित हेबो संपूर्ण भाबरे खंडगिरी परिवेश। एवं आज ठारु कलश यात्रा आरंभ हेबो एवं वर्तमान सुधा एबे जो खंडगिरी पोखरी रहीछि एवं एठी समस्त नागा साधुने पहुँचती कलश बुड़ा आरंभ हेबो। कलश यात्रा आरंभ सरला परे परवर्ती समय रे माघ मेला अनुष्ठित हेबो। 9 दिन व्यापी संपूर्ण भाबरे नागा साधुमान आछन्ते जो देखिपे देशर विभिन्न कोणर आसी ओडिशा समेत विभिन्न पहाड़ पर्वतर जो मैंने तपस्या करते दीर्घ वर्ष धरी वर्ष वर्ष धरी एने आज ये कलश प्रक्रिया आरंभ हो कलश बुड़ा आरंभ हो समेत पहुँच सारी प्रतिक्रिया ना इस साल जो माघ मेला होगा खंडगिरी में कैसा देखते हैं आप? ठीक है, खूब सुंदर भलो अनेक कार्यक्रम हो शांति आलो आज हूँ माघ सप्तमी। बाबा आज हूँ माघ सप्तमी आज आरंभ हेब केम देखुं ए बर्ष प्रस्तुति को ये वर्ष विश्व गोटे नुआ खंडगिरी देख आते साधु सन्त आसुँच आ नूतन प्रकार सब आयोजन कराई आपड़ा कलश जा देखि नए शह शह संख्यार लोक मैंने कलश जा जोगदे आप नुआ देखिए आज नुआ अनुभव करेंगे देख बहु बाहर बाबा मैंने ओडिशा ओडिशा बाहर तेणु सुंदर लग समस्त अनुरोध माघ सप्तमी आज आरंभ है 24 तारीख आप आसतु साधु सन्त दर्शन करूँ निज पुण्य लाभ करूँ अनेक बाबा प्रति बा हर साल खंडगिरी में माघ मेला होता है, इस साल कैसे देखते हैं आप? मैं तो पहली बार आया हूँ महाकाल उज्जैन से। हमारा नाम चलता है श्री दिगंबर फौजी नागा जी महाराज, जूना अखाड़ा तेरामढ़ी मिर्जापुर परिवार से हूँ। मैं तो पहली बार आया हूँ। खंडगिरी जो ऐतिहासिक स्थल है, केस क्या पता है खंडगिरी बारे में आपको? पहले इसको मेरे को मालूम नहीं हूँ, पहली बार आया हूँ। और मेरे को और तो देवता का स्थान है, शिव का स्थान है, लिंगराज है, जो उन लिंगों में आता है ना, तो राजा है, लिंगराज है, राजा बाहर आसुँच बाबा मैंने नागा साधु मैंने आपन तो पूर्व वर्ष मानक खंडगिरी देखी माघ मेला ए वर्ष जो प्रस्तुति रही आप सामिल होती आज कलश जात्रा आरंभ हो कुंभ जात्रा आरंभ होमी देखुंत? हम बहुत पहले से आ रहे हैं श्री दिगंबर बम्बमपुरी जी महाराज और श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा दस महाविद्यापीठ त्रिवेणी संगम गौशाला धाम उज्जैन से हम आए हैं। हर वर्ष आते हैं, हर वर्ष थोड़ा थोड़ा सुधार होते जा रहा है। हमारे मानव समाज भारत की जो संस्कृति है उस पर अपनाते जा रहे हैं और अच्छे से इस साल और अगले वर्ष से अच्छा होने का है। कलश यात्रा भव्य रूप से होने जा रहा है। आप सब लोगों से उड़ीसा वासियों से यही अनुरोध करते हैं कि धर्म को जागृत करो और अपने आप को पहचानो। मानव संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है कि वो बहुत अमूल्य है। मानव कितने नागा साधु आएंगे खंडगिरी मेला में? अब जो आने वाले हैं नागा साधु पूर्ण रूप से तो हम लोग दो हैं, वो और हम श्री दिगंबर बम्बमपुरी जी महाराज और गिरी जी महाराज। हम 13 16 मढ़ी से हैं, वो 13 मढ़ी से है और बाकी दिगंबर नागा है, वो नागा नहीं होंगे। बाकी 20-25 महात्मा नागा बाबा आ गए हैं। प्रशासन का प्रिपरेशन कैसा हुआ है? जो कमेटी है, प्रशासन है जो खंडगिरी मेला का, वो कैसा प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके लिए? कमेटी और प्रशासन के बारे में अभी हम नहीं बता सकते भाई, इसको तो आप तुम्हारे यहाँ के महात्मा लोग बता सकेंगे, यहाँ के कमेटी वाले बता सकेंगे। लोगों का भीड़ अभी से शुरू हो गया है लोगों को देखने के लिए? हम तो पुराने 20-25 साल से आ रहे हैं, हमें जानते हैं, हजारों शिष्य है हमारा यहाँ, तो वो तो हमारे आने जाना आरंभ हो चुका है जी। इनसे पूछो कमेटी के बारे में, इनसे पूछो, ये बताएंगे। समस्त नागा साधु मान आसर कोणानुकोण आसी समस्ते सामिल हेबे एवं जो मानव सेवा मानव सचेतनता कथा कहते लोक कल्याण लोक कथा कहते ये सब किपर भाव में सचेतन करें नागा साधु मानक संपूर्ण भाव मंत्रध्वनि और पूजा तंत्र मंत्र प्रकम्पित हे संपूर्ण भाव में परेश संपूर्ण भाव में जो पूजा कमिटी रही जो मैंने भक्त साधारण रही आज पहुँचे नागा साधु मान पहुँच समस्त देखा भिड़ रही आज जिते बड़े कलश जात्रा आरंभ हो पाखापाखि 9 दिन व्यापी यही खंडगिरी माघ मेला अनुष्ठित हेब एपाई पूजा बजार बेस गरम रही जो अपेरा मैंने रही से प्रस्तुति आरंभ कर सारे संपूर्ण भाव में रंगीन आलोक सह नागा साधु मंत्रध्वनि प्रकम्पित हेब
खंडगिरी परिवेश एवं एबेठारु जो लोक मैंने रही पाखापाखि गोटे वर्ष पर पुणी जितेबाला माघ मेला अनुषित हो समस्त देखा भितर देखा उत्साह रही। भुवनेश्वर भिड जर्नालीस्ट दीपक अभिनाथ दास रिपोर्ट अर्गस न्यूज। फोन और सांगसाथी आपण पिलाटीर पाठपढ़ा और कैरियर को प्रभावित करुचि कि आपण से विद्रुत कि तेज आज ही आसतु आपण चाहूबा मन लगे संपूर्ण आवासिक स्कूल जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।